दारा सिंह को पकड़ा था, 6 महीने तक वो भाग रहा था और वो पकड़ने के बाद उसको जेल में डाला गया और वो PSI ने इस्तीफा दे दिया। वो बोला मैं अभी नौकरी नहीं करूँगा। आज भी वो फुल टाइम पास्टर कर रहा है, PSI का ड्यूटी छोड़ दिया था उसने। ये हादसा होने के बाद एक उड़ीसा में बहुत बड़ा भूचाल आया, सुनामी आई, उसमें हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। एक मिनिस्टर ने बोला, कांग्रेस का मिनिस्टर ने बोला कि ये जो हादसा हुआ इसके हम लोगों ने वो बच्चों को और ग्रामस्टेंस को जिंदा जला दिया उड़ीसा के लोगों ने, इसकी वजह से ये हादसा हुआ, बर्बादी हुई है हमारी। तब बीजेपी वालों ने काफ़ी हंगामा करने के बाद वो मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा और वो आज मिनिस्टर ने बोला मुझे मिनिस्टरी और ये नहीं चाहिए, अगर सच्चाई का सामना आप लोग नहीं कर पा रहे तो नहीं चाहिए। उसने मिनिस्टर का इस्तीफा दे दिया और वो मिनिस्टर आज इवेंजलिस्ट है। आज तक वो अभी गांव-गांव में जाके बड़े बड़े मीटिंग लेता है और प्रभु के बारे में बताता है। जब मैंने ये पढ़ा सुना सब कुछ मैंने ग्रहण किया, मैं सच कहता हूँ आप लोगों को, मेरा अपना सब कुछ दिया, सब कुछ। मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, सब कुछ बिजनेस बंद करके आज मिशनरी की लाइफ जी रहा हूँ। मेरा बहुत अच्छा परिवार है, सब कुछ अच्छा है, मगर फिर भी मैं मिशनरी की लाइफ जी रहा हूँ। जो भी इसमें टच में आया, जो भी आदमी इसमें इसको सुना और ये किया, अभी एक हाल ही में 1000 शो जब हुआ नडियाद में, एक मंजुला बहन बोल की एक औरत थी, उसने जब सुना तो ये मूवी देखा तो मंजुला बहन ने सच में आने वाले फिल्म के लिए इतना अच्छा सीनियर सिटीजन वो बहन, तो इतना अच्छा ये किया, उन्होंने ऑफरिंग दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। फादर टॉम, आसाम के फादर टॉम है, उन्होंने अपना इन्हें इतना मेरे लिए टाइम दिया, उसने बोला मैं फादर की छोड़ दूंगा मगर आपके लिए ये करूंगा। थाईलैंड का एक पिंटो है, उसने भी जब मूवी देखा और उन्होंने सब कुछ छोड़ के मेरे लिए मैंगलोर में चर्च में जाके और मैंगलोर में बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज किए। मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, जो भी आदमी इसमें जुड़ जाता है और उसको समझ में आता है और प्रभु उसको कैच कर लेता है, जिस तरह अभी ये पास्टर है, ये इनको ना मैं पहचानता था, पास्टर गैब्रियल तेलुगु चर्च के शालुन राज इनको मैं जानता नहीं था, कुछ नहीं, मैं किसी को नहीं जानता था, ना मंजुला बहन को जानता था, फादर टॉम को जानता था, मिस्टर पिंटो को नहीं जानता था, इनको भी नहीं जानता था। मगर जब प्रभु ने हम लोगों को मिलवाया, सगे भाई के जैसा, सगे बेटे के जैसा इन लोगों ने प्यार दिया और अलग अलग चर्चेस में जाइए भाई लेके गया, छोटे बच्चों को जिस तरह प्यार करते हैं उस तरह इन लोगों ने, ये ही नहीं सारे लोगों ने, 1000 चर्च में जाके आया और 1000 जगह मुझे प्रभु ने दूत जो भेजे थे वो दूत ने मुझे ख्याल रखा, इतना संभाला कि मुझे घर वालों की कभी याद नहीं आने दी इन लोगों ने। तो मैं खुश हूँ कि प्रभु ने जिस तरह ग्राम चेंज को इस्तेमाल किया उसी तरह मुझे भी इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वेलकम।